हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो उसके लिए आपको कैप्सिकम, एक प्याज और पनीर, ये बारीक बारीक काट के रख लेना है। और उसके लिए हमें ये चाहिए वीबा की मेयोनीज़, सहजन की चटनी और चीज़ चाहिए, चीज़ स्लाइसेस और चीज़ दूसरा, और ये ऊपर डालने के लिए चिल्ली फ्लेक्स, ऑरेगानोस, ये दोनों चाहिए। सबसे पहले हम इसमें कटे सब्जियों में सहजन चटनी 3-4 चम्मच मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो दूसरी सॉस भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें नमक, काली मिर्ची डालना थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको एक ब्रेड की स्लाइसेस पे लगाना है मेयोनीज, और एक ब्रेड की स्लाइस पे लगानी सहजन चटनी। और मेयोनीज अच्छी तरह 2-3 चम्मच लगाने हैं। मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं थोड़ा सा, मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, एक हाथ से लगा रही हूँ मैं। चलिए अब इसमें आप सब्जियाँ रखें, आप चाहे तो आप स्वीट कॉर्न भी इसमें मिक्स कर सकते हैं पनीर की जगह पे, और चाहे तो आप इसमें गाजर मटर कुछ भी ऐड करें। और शिमला मिर्ची और पनीर प्याज तो आपने डालना ही डालना है। अब आपने इसके ऊपर क्रश किया हुआ चीज़ डालना है। चीज़ की स्लाइस भी रखनी है। चलिए अब इस दूसरे ब्रेड पे हम सहजन चटनी को फैला लेते हैं। अच्छी तरह अप्लाई कर लेनी है। इसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह आएगा। और आपने ब्रेड ब्राउन यूज़ करनी है, मैदे वाली यूज़ नहीं करनी है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी बनेगा, आपके बच्चे इंजॉय करेंगे और बच्चों के लिए भी हेल्दी रहेगा। अब आप इसको कटर से हाफ हाफ काट लीजिए और फ्लेक्स दोनों अच्छी तरह छिड़क दीजिए इसके ऊपर। चलिए ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है आपके, और आप इसको सॉस के साथ सर्व करिए और टेस्ट करिए और मुझे बताइए कितने टेस्टी बने हैं ये। चीज़ देखिए अच्छी तरह पूरा मेल्ट हो चुका है और पिज़्ज़ा से भी अच्छे बने हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। We'll be right back.